हेलो स्टूडेंट्स, एस एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एन टी यू जी सी नेट पेपर 2 कॉमर्स ग्रुप का जो एग्जामिनेशन हुआ है हाल ही में 26 जून 2019 को, उसकी फाइनल आंसर की क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक की। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 इज अलाउड अंडर टैक्स लॉ फॉर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इन द नेचर ऑफ रिवेन्यू कैपिटल, बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रिवेन्यू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फॉर विच एग्जम्पशन क्लेम अंडर सेक्शन 54 शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ 2 ईयर हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 2 ईयर्स हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, 3 ईयर्स हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और 3 ईयर हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 ईयर हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना था, बताना था कि कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करता है लिस्ट 2 को। तो जानते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किससे संबंधित है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 किससे संबंधित है, टेंजिबल एसेट से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 लीजिंग से संबंधित है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्स से संबंधित है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ, इसका सही आंसर है डिविडेंट ऑन शेयर डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडिसीजर ऑफ द IRDA एक्ट 1999। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, IRDA एक्ट 1999 से पहले कौन सा एक्ट था, तो था इंश्योरेंस एक्ट 1938। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी कीमत भेद की पूर्वापेक्षा नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्पाद के बहुत सारे निकटस्थ विकल्प हो और उसके विभिन्न प्रकार के उपयोग हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक लेखा परीक्षक के अधिकार हैं, ऑप्शन नंबर 1 पारिश्रमिक प्राप्त करना, निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेना, आम बैठक में भाग लेना या शाखा कार्यालय का दौरा करना। तो इसमें कॉम्बिनेशन दिए हुए थे ए या बी, ए बी डी, ए सी डी या ए बी सी और डी। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए सी डी, या अर्थात पारिश्रमिक प्राप्त करना, आम बैठक में भाग लेना और शाखा कार्यालय का दौरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं, ऑप्शन दिए थे ए बी सी डी ई, इनमें से हमारे को बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ए बी और ई, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से रिलेट करना था और सेक्शन वाइज डिटेल बतानी थी कि सेक्शन 6 सबसेक्शन आई, सेक्शन 10 डबल ए, सेक्शन 10 क्लॉज आई, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, ये किस किस से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था? स्टेटमेंट वन, टी टेस्ट और एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल एजम्पशंस। और स्टेटमेंट टू में कहा गया है टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, वेयर इज एफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन से पूर्णतया बचत आती है और बनी रहती है? तो इसका सही आंसर है जब किसी इकाई का उत्पादन करने की दीर्घकालिक लागत उत्पादन बढ़ने के साथ गिरने लगती है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को, और बताना था इसमें कौन सा सही है। तो क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट वन कहता है कि इफ़ द टैक्स लाइबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड विद इन द लीगल फ्रेमवर्क इट इज़ द टैक्स प्लानिंग। और स्टेटमेंट टू क्या कहता है, इफ टैक्स लाइबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स इट इज़ कॉल्ड टैक्स इवेशन। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट था जबकि स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर है। स्टेटमेंट वन द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पज एवरेज, और स्टेटमेंट टू मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर वन सही आंसर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई फर्म किसी उत्पाद को 10 रुपये के मूल्य पर बेचती है और उस उत्पाद के लिए मांग का मूल्य लोच 2 है, तो उस फर्म का सीमांत राजस्व निकालिए। तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? तो इसका सही आंसर था 139 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट? तो इसका सही आंसर है एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना था। तो इसका जो सही आंसर था वो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर था। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट किसकी हाइपोथेसिस से, मैरीज हाइपोथेसिस, मैनेजरल यूटिलिटी फंक्शन का संबंध विलियमसन हाइपोथेसिस से संबंध था, और सेटिस्फाइंग बिहेवियर सिरेट मार्च हाइपोथेसिस से संबंधित था, और सेल्स मैक्सिमाइजेशन का संबंध बाउमल हाइपोथेसिस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशंस, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही ऑप्शन था ए बी डी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड वन और मोर रीसेलर इट इज़ नोन एज। जो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे ये सभी गलत ऑप्शन थे, तो एनटीए नेट ने इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया। और इस क्वेश्चन के जिस जिन जिन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था उन सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स दिए गए, चाहे उनका आंसर कुछ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इंडियन ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2015-19, डबलिंग द एक्सपोर्ट, अचीव 3.5% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू स्कीम MEIS और SEIS, और इंट्रोड्यूस्ड सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म। तो सभी ऑप्शन इसके सही थे, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर, द फेस वैल्यू पर शेयर इज 100 बट द इशू प्राइस इज 95, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर? तो इसका सही आंसर था 10.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स,
मैच करना था लिस्ट वन को लिस्ट टू से। WTO का हेड ऑफिस कहाँ पर है? जिनेवा में। IMF का है वाशिंगटन में। FAO का हेड ऑफिस है रोम में। और EU का हेड ऑफिस है ब्रुसेल्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजन कम इन द एम्बिट ऑफ। ऑप्शन नंबर एक था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, ऑप्शन थ्री फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्शन चार डिविडेंड डिसीजन। तो इसका सही आंसर था फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन था, एक्स 55 वर्षीय व्यक्ति है जिसकी कुल सकल आय 350,000 है, वर्ष 18-19 के मूल्यांकन वर्ष के लिए कर देता बताओ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर तीन 2580 रुपये था, 2580 इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बसेल के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर था कौन सा कथन सही नहीं है, बासेल की स्थापना 15 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नर द्वारा की गई थी। ऑप्शन टू इसका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी की विश्वास राय ज्ञान या किसी घटना विशेष के बारे में जानकारी पर आधारित मनोवृत्ति संज्ञानात्मक मनोवृत्ति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी इज कैप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ GST। तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रय वस्तुओं में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर टू, उपभोक्ता आमतौर पर विभिन्न विक्रेताओं की वस्तुओं की तुलना करते हैं और उसके बाद इस प्रकार की वस्तुओं का क्रय करते हैं। ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, स्टूडेंट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द डिसीजन आउटकम ऑन इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वेरी अंडर NPA एंड IRR मेथड एज पर से किसके द्वारा था। ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर है लाइफ डिस्पैरिटी, टाइम डिस्पैरिटी, कॉस्ट डिस्पैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रक्शन दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर टू से गलत क्वेश्चन गलत है, क्या कहा है कौन सा सही नहीं है, हैज फंड लोगों को बेचे जा सकते हैं, लो हैज फंड लोगों को नहीं बेचे जाते। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर मींस क्या होगा, बायर शुड बी बीवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि दो समाश्रयण गुणांक 0.8 और 0.2 हैं तो अन्योन्याश्रय गुणांक का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4.40। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज इन ए कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट्स RTGS, नेफ्ट और चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए और सी। सॉरी, इसमें पूछा था हमारे से डिजिटल पेमेंट का, तो डिजिटल पेमेंट के लिए RTGS और नेफ्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। तो सही आंसर है कैट गुडविल। इस बात की कितनी प्रायिकता कि दो पासों पर आने वाले अंकों का योग 8 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर टू इसका सही है 5/36। मिलर और मॉडल इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी लिवरेज रिसेबल और कैश। मिलर और मॉडल किसके लिए यूज किया जाता है, कैश मैनेजमेंट के लिए। सुगम को किस अन्य रूप में जाना जाता है, ITR4 को सुगम के रूप में जाना जाता है जबकि ITR1 को सहज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, असर्शन और रीजनिंग से संबंधित अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म।
रीजन ए फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंजिंग इन डिग्री ऑफ लिवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर. बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक. आफ्टर US डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ लार्जेस्ट वेट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ SDR. तो इसका सही आंसर है यूरो. ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था एक क्षेत्र एक सड़क परियोजना का अभीष्ट नहीं है. तो आंसर था ऑप्शन नंबर एक व्यापार संरक्षण वाद. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज प्रोपाउंडेड बाई किसके द्वारा. पोर्टर लॉअर मॉडल के द्वारा. ऑप्शन नंबर एक इसका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी व्हेन ए कंज्यूमर इज स्पेंड सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेलम द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सो एज द अंडरलाइंग डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप. तो ऑप्शन इसका थर्ड आंसर सही है गिफिन गुड्स. लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना था. सेक्शन 80TTA किससे संबंध है 80CCD किससे संबंध है 80E किससे संबंध है और 80EE किससे संबंधित है. लिस्ट टू में बताया है कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के लोन से संबंधित कौन सी है 80E. डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट से संबंधित कौन सा है 80TTA और डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेमेंट सिस्टम 80CCD. इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से संबंधित कमेटी थी NK मित्र कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित से कौन से द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत नहीं है. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर चार जो कि कहता है A, B और C. साक्षात्कार प्रश्नावली और प्रेक्षण द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत नहीं है क्योंकि ये सब प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब अफेक्ट्स पीपल एंड इज आल्सो अफेक्टेड बाय देम एंड नॉट बाय मैनेजमेंट अलोन इज द मेन प्रोपोजिशन ऑफ. ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर था न्यो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर. तो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है स्विफ्ट इसका सही आंसर है. तो स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो ऑन ऑल योर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेजेस. थैंक यू स्टूडेंट्स.